नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन दक्षिण भारत के उन दो राज्यों की जिनका राजधानी एक है और जो अभी जल्दी ही एक दूसरे से अलग होकर नए राज्य बने हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच कंपैरिजन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। कोहिनूर ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा का गढ़ है, जिसकी राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश में कुल 26 जनपद मौजूद हैं। यहाँ का जनसंख्या है 9,46,00,000 और साक्षरता दर है 67%। ये राज्य अपने तेलुगु भाषा की फिल्म इंडस्ट्री के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम यहाँ का सबसे बड़ा शहर और कार्यकारी राजधानी है। इसके अलावा विजयवाड़ा, गुंतूर, नेल्लोर, कर्नूल और तिरुपति जैसे कुछ बड़े शहर मौजूद हैं। राज्य का पीपीपी जीडीपी $515 बिलियन है, जिससे यहाँ का पीपीपी पर कैपिटा इनकम होता है $5,443। भारत में सबसे ज्यादा अंडे आंध्र प्रदेश से ही प्राप्त किए जाते हैं, जिसके चलते इसे एक बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ बिरयानी के नाम से प्रसिद्ध तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है, जिसका गठन 2 जून सन 2014 में हुआ था। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर है और इस राज्य में कुल 33 जनपद मौजूद हैं। यहाँ का कुल जनसंख्या 3,96,00,000 का है और साक्षरता दर है 65.5%। हैदराबाद, वारंगल, निजामाबाद, करीमनगर और रामागुंडम जैसे यहाँ के कुछ बड़े शहर हैं, जिनके योगदान से तेलंगाना राज्य का पीपीपी जीडीपी है $478 बिलियन और पीपीपी पर कैपिटा इनकम है $12,070 और तेलंगाना का ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। तो दोस्तों, ये था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद।